आओ आज थोड़ी सी धर्म चर्चा पर्युषण के पावन पर्व पर कर लें। पर्व तो मनाने चाहिए, धार्मिक पर्व हैं, पर खूब समझदारी से समझ करके क्या पर्युषण होता है, खोज होती है सत्य की, खोज परम सत्य की, खोज धर्म की, खोज सत्य धर्म की, खोज अनुभूति से खोज करनी पड़ती है और अपने भीतर खोज करनी पड़ती है। इसी को कहते थे एषणा, गवेषणा खोज करनी है, परिवेषणा खोज करनी है, सच्चाई को ढूंढना है अनुभूति के स्तर पर। ऐसे ही पर्व मनाते हुए केवल भगवान महावीर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की, अच्छी बात है। श्रद्धा धर्म का पहला कदम है। हम अपने आप को भगवान महावीर के अनुयायी कहें और श्रद्धा नामो निशान न हो, श्रद्धा का नामो निशान न हो, तो कैसे अनुयायी हुए? श्रद्धा हो, प्रज्ञा भरी श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा नहीं। हम समझे ही नहीं भगवान महावीर और उसकी शिक्षा को, और बहुत धन कमा लिया तो भगवान महावीर के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मुझे ये संपदा मिली, ये सफलता मिली, तो एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया, बहुत कीमती मंदिर बनाया, संगमरमर का मंदिर बनाया, बहुत सी कलाकृतियों के साथ उसने बहुत खूबसूरत भगवान महावीर की एक मूर्ति स्थापित की और उसे हाथ जोड़ के नमस्कार करके कहता है, देखिए जो अब तक जो काम किया और उसमें आपकी वजह से, आपकी दया से, आपकी करुणा से, आपके आशीर्वाद से जो इतना धन कमाया, तो अब के जो हमने 100 करोड़ रुपए की जो फैक्ट्री खोली है ना, वो चल पड़े, आपकी कृपा से चलेगी, वो चल पड़े तो फिर आपकी इस मूरत पर सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। सोने का छत्र चढ़ा देगा, घुस देता है भगवान महावीर को, घुस देता है। किसको घुस दे रहा रे? जिसने अपने जीवन में सारा राजपाट छोड़ दिया, राजपाट का वैभव विलास छोड़ दिया, यहां तक कि कमर में लंगोटी तक नहीं रखी, उसको तू सोने का छत्र का घूस दिया चाहता है? कहां उलझ गए? ये अंधभक्ति वालों का काम है कि इतना प्रसाद तुझे चढ़ाऊंगी, तू मेरे बच्चे को आराम दे दे, उसको स्वास्थ्य ठीक, इत्यादि इत्यादि बातें। धर्म से कोई लेन देन नहीं, भक्ति से कोई लेन देन नहीं, श्रद्धा से कोई लेन देन नहीं। बात समझें, हम किसके प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं? वो जिन है, जिन माने जीता हुआ है, जीत गया वो, जो जीत गया उसके अनुयायी हैं, इसलिए हम जैन कहलाते हैं। समझे ही नहीं? अपने को जैन इसलिए कहलाते हैं कि हमारा भी एक संप्रदाय है, हमारे ऐसे कर्मकांड है, हमारी ऐसी दार्शनिक मान्यता है, हमारे ऐसे पूजा पाठ हैं, इसलिए हम जैन हैं। अरे नहीं, वो जीत गया तो हमें भी जीतना है। अपने अंदर के विकारों को हरा करके हमको विजयी बनना है। तो कभी कभी जब नासमझी में लोग, अपनी जान तो बड़ी भक्ति में, नासमझे में लोग जब जय जयकार करते हैं, भगवान महावीर की जय, सब बोलते हैं भगवान महावीर की जय, क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब अभी महावीर, भगवान महावीर अभी जीते नहीं, अभी भी संग्राम कर रहे हैं, अपने भीतर के विकारों से युद्ध चालू है उनका, तो उसमें उनकी जीत हो जाए ये मंगल कामना करते हैं, जय जयकार करते हैं। अरे जीत गया वो, तुम अपनी जीत मनाओ,
हम अभी लड़ रहे हैं, अपने भीतर हम लड़ रहे हैं, उसमें हम जीत जाएं। रास्ता बताया है उसने, वो कैसे जीता, वो महापुरुष कैसे जीता, उस रास्ते चलकर हम भी जीत जाएं, तो सही माने में हम जैन कहलाएं। जय जयकार करने से बात नहीं बनती। रास्ता बताया, सामायिक करो, कर्मकांड बना लेते हैं। जो शिक्षा कोई महापुरुष देता है, उसका भाव ठीक से समझे बिना उसे कर्मकांड बना लेते हैं। क्या सामायिक, उन दिनों की क्या सामायिक होती थी? सामायिक माने समता, चित्त की समता, और वो भी उन गहराइयों तक जहां पर विषमता जागती है, जहां पर राग जागता है, द्वेष जागता है, उस विषमता को दूर करके वहां समता स्थापित हो तो सामायिक हुई, वहां तक पहुंचे, नहीं तो एक कर्मकांड पूरा कर लिया। मैं रोज सामायिक करता हूं, मैं रोज सामायिक करता हूं, तो रोज सामायिक करता है, किस तरह करता है? अपने अंतर जाकर के, अपने भीतर जाकर के, विकारों के उद्गम के स्थान तक पहुंच करके वहां सामायिक हो। काय उत्सर्ग एक परंपरा, और उस परंपरा का एक कर्मकांड काय उत्सर्ग, कितनी अच्छी बात, काया का उत्सर्ग कर दिया। अरे इस काया के प्रति कितना तादात्म्य है, मैं मेरी मेरी काया, मैं उत्सर्ग करे, केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं, अनुभूति के स्तर पर अंतर्मुखी हो करके सारे शरीर को देखते हुए, समझते हुए, उसमें होने वाली भिन्न भिन्न हरकतों को, भिन्न भिन्न संवेदनाओं को मेरी न मान ले। ऐसा है, शरीर का स्वभाव है, इस तरह की अनुभूति होती है, कभी इस तरह की अनुभूति होती है, इसमें मैं क्या, इसमें मेरा क्या, इसमें मेरी आत्मा क्या? तो कायोत्सर्ग हुआ। देहात्म बुद्धि जब तक है तब तक कायोत्सर्ग नहीं हुआ। काया के प्रति, देह के प्रति मैं मेरे का भाव ऊपर ऊपर से नहीं है। काया भिन्न, आत्मा भिन्न, ये ऊपर ऊपर की बात है, केवल बुद्धि की बात है, केवल श्रद्धा की बात है। वस्तुतः भीतर जाके देखें तो काया ही मैं हो गई, देह ही मैं हो गया। कितनी देहात्म बुद्धि लिए चल रहे हैं, इसी तरह कितनी चित्तात्म बुद्धि लिए चल रहे हैं। चित्त ही मैं हो गया, चित्त मेरा हो गया, चित्त मेरी आत्मा हो गई। अरे इनका उत्सर्ग करना है तो सही माने में कायोत्सर्ग हुआ। एक और परंपरा, सारी परंपराएं इतनी शुद्ध और इतनी कल्याणकारिणी, लेकिन ठीक से न करें तो कल्याण कहां से प्राप्त हो। एक और परंपरा, प्रतिक्रमण। किसको कहते हैं प्रतिक्रमण? चित्त जब अपने स्वभाव में स्थित होता है, स्वयं भाव में स्थित होता है, तो स्वयं में स्थित होता है, स्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है तो निर्मल होता है। पर कभी कभी किसी कारण से अपनी स्वस्थता खो करके, अपनी निर्मलता खो करके, अपनी वीत राग तक हो करके, अपने वीत द्वेष तक हो करके आगे चल पड़ा, राग की ओर चल पड़ा, द्वेष की ओर चल पड़ा, अहंकार की ओर चल पड़ा, तो अतिक्रमण कर लिया। अपनी जो सीमा थी स्वस्थता की, अपनी जो सीमा थी पवित्रता की, वीत रागता की, वीत द्वेषता की, वीत मोहता की, उस सीमा के आगे चला गया, राग जगाने लगा, द्वेष जगाने लगा, तुरंत होश जागे, फिर स्वस्थ हो जाए, फिर स्वयं स्थित हो जाए, तो प्रतिक्रमण किया। जो मन ना समझे से अतिक्रमण कर गया, पवित्रता की सीमा के बाहर जाने लगा, उसको रोक करके फिर ले आए, तो प्रतिक्रमण हुआ। ऐसा अगर करते नहीं तो समझे ही नहीं क्या प्रतिक्रमण होता है, तो उसका लाभ कैसे होगा? उसको समझने के लिए ही भगवान महावीर ने यही विद्या सिखाई। क्या सिखाया? उनकी वाणी को पढ़ते हैं तो धर्म खूब समझ में आता है, क्योंकि धर्म में सिखाएंगे ना,
आयत चक्षु, भगवान कहते हैं आयत चक्षु, चक्षु मिल गए, दूरदर्शी हो गया, ऐसे चक्षु मिल गए जो सारे रहस्य को समझने लगे, दूर दूर तक ऐसा होगा ऐसा होगा तो ये परिणाम आएगा, ऐसा नहीं होगा नहीं होगा तो ये परिणाम आएगा। तो आयत चक्षु, और ये कैसे हुए आयत चक्षु, लोक विपस्सी, पुरानी भाषा है, उन दिनों लोग कहते थे इस 3.5 हाथ की काया को, सारे लोग इसमें समाये हुए हैं, अधो लोग से लेके ऊर्ध लोग तक सारे लोग इसमें समाये हुए हैं, और लोगों से परे मुक्त अवस्था भी इसी में समाई हुई है। तो लोक विपस्सी, विपस्सना करता है, विपस्सना करता है बाहर नहीं, अपने भीतर, अपने भीतर इस शरीर की सीमा के भीतर विपस्सना करता है। लोकस्य अधो भागं जानई, उर्ध्वं भागं जानई, तिर्यं भागं जानई, इस शरीर का, इस लोक का नीचे का सारा भाग जान गया, ऊपर का सारा भाग जान गया, आड़े तिरछे अगल बगल माने शरीर के सारे हिस्से को अच्छी तरह से जान गया, अनुभव से जान गया क्या हो रहा है। विपश्यना करता है तो क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर अनुभव करता है तो क्या हो रहा है, अरे अणु ही अणु, ये ऊपर से देखने में इतना ठोस, इतना सघन, इसमें सघनता का नामो निशान नहीं, ठोस बने का नामो निशान नहीं, ये तो केवल प्रतीत होता है ऐसे, पासमान सत्य है, सही सत्य नहीं है। सही सत्य मालूम होने लगा, कणु ही अणु, अणु ही अणु, गड्ढिये अणु पर यत्तमानी, अणु ही अणु गड्ढमड हो रहे हैं और उसी में हम गड्ढमड हो रहे हैं, होश ही नहीं क्या हो रहा है। होश जागता है तो देखता है संधि विदित्ता, संधि को देखता है, वेदनाओं के स्तर पर संधि को जानता है, काहे की संधि, ये हड्डियों की संधि नहीं, चित्त धारा की संधि, चित्त धारा पर राग की संधि हुई, चित्त धारा पर द्वेष की संधि हुई, मोह की संधि हुई, किसी विकार की संधि हुई, तुरंत जानता है संधि विदित्ता। अरे तुम मृत्य है, मैं किसके प्रति राग कर रहा हूं, किसके प्रति द्वेष कर रहा हूं, होश जागता है, मृत्य है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है, जिसने ये होश जगा लिया उसने राग जगाना बंद कर दिया, द्वेष जगाना बंद कर दिया, राग से द्वेष से बंधनों से मुक्त होता चला गया, तो एस वीरे पसंसिये जे बद्धे परम होइए, जो सारे बंधनों को तोड़ करके मुक्त हो गए वो वीर हैं। और ये वीर जब औरों को भी समझा करके इस रास्ते चलाने लगा तो महावीर हो गया, हम वीर बने, उस महावीर के अनुयायी हैं, तो हम सही माने में वीर बने। कहा भगवान ने बार बार, जो अनारंभी है मैं उसी को अनारंभी कहता हूं, जो अनारंभी है, अनारंभी अहिंसक को कहते हैं, अनारंभी का एक अर्थ उन जमाने की भाषा में अहिंसा, तो जो अहिंसक है उसी को अहिंसक कहेंगे, ये क्या बात हुई, नहीं समझना चाहिए। वो कहते हैं अनारंभी है उसको अहिंसक कहता हूं मैं, जो चित्त धारा पर राग का आरंभ नहीं होने देता, द्वेष का आरंभ नहीं होता, सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभ त्याग दिए, राग जागेगा नहीं, द्वेष जागेगा नहीं, वो सही माने में अहिंसक है। अहिंसा पहले मन में शुरू होती है, वहां आरंभ होती है, फिर वाणी पर, फिर शरीर पर, इसलिए अंदर जाना जरूरी। तो समझाया, जहा अंतो तहा बाहो, जहा बाहो तहा अंतो, जो बाहर सच्चाई है वही भीतर सच्चाई है, उसी तरह से उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे हो रहा है, बाहर भी भीतर भी। अंतो अंतो देहांतराणी, बस भीतर देखो, बाहर क्या देखते हो,
इस शरीर के अंतिम सीमा तक, देहांतराणी, शरीर की सीमा जहां तक है वहां तक भीतरी भीतर भीतरी भीतर विपश्यना करो, पस विपश्यना करो, तो क्या होगा? पुरै आसवानी, जो आश्रव इकट्ठे कर रखे हैं, जो मैल इकट्ठा कर रखा है, लोटे में मैल भरा पड़ा है उलट दो उसे, निकल जाएगा। बाल्टी में मैल भरा पड़ा है उलट दो उसे, उल्टो जो कुछ इकट्ठा किया उसे उल्टो, तो सही रास्ते चल पड़े, अन्यथा नहीं। मेहनत का काम है, करना पड़ता है, तभी वीर होता, नहीं तो वीर कैसे होगा? चित्त को बदलना है। एक पुरानी कथा, बाहुबली अपने भाई से किसी बात को लेकर नाराज हो गया और कहा कि मैं तपस्या करूंगा, अकेले में जाके तपस्या करने लगा, और अब कहां करे तपस्या, सारे भारत पर तो उसका राज है भारत का, और तपस्या कहां करे, तो जो जमीन है उसी पर तपस्या करता है, तो पंजों के बल खड़ा है, उसकी धरती पर पूरा पांव कैसे रख दूं मैं, बस पंजे के बल पर खड़ा है, और खड़ा है और घोर तप कर रहा है, उस पर बेलें चढ़ गई, और क्या हालत बना ली अपने। उसकी दो बहनें उस रास्ते से गुजरी, भाई को देखकर कहती है, बीरो मारो हाथी चढ़ो, अरे हमारा भाई देखो हाथी पर चढ़ा हुआ है, हाथी पर चढ़ा हुआ है, मैं खड़े खड़े तपस्या कर रहा हूं, और ये कहती है हाथी पर खड़ा है, होश आ गया, हाथी पर ही खड़ा हूं, अहंकार की हाथी पर खड़ा हूं, और उसकी वजह से देखो क्या हालत बना ली मैंने अपनी, होश जागा तो बढ़ते बढ़ते अनंत हो गया। ऐसी एक घटना भगवान महावीर के जीवन काल की, एक राजा ने सब कुछ त्याग करके तपस्या में लग गया, उस राज का एक व्यक्ति उस रास्ते से निकलता है, घोर तपस्या कर रहा है, घोर तपस्या कर रहा है, तो भगवान महावीर से आकर कहता है कि हमारा राजा सब कुछ त्याग करके घोर तपस्या कर रहा है, इस वक्त मर जाए तो उसकी ऊर्ध्वगति होगी। भगवान ने कहा नहीं रे, ऊर्ध्वगति नहीं, अधोगति होगी। अरे क्या कह गए? थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया, उसने कहा हमारा राजा तप रहा है, अरे उसकी तो मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई, अभी कह रहे थे अधोगति होगी, तो समझाया कि पहली अवस्था में जो सूचना आई थी उस अवस्था में उसमें क्रोध जाग रहा था, उसका दुश्मन सेना लेकर के उसके राज्य पर हमला करने वाला था, तो उस क्रोध के मारे मर जाता तो क्या होता, अधोगति होती। इतने में होश आया, नहीं क्रोध नहीं, हमें तो समता में स्थापित हुआ, फिर तो क्या कहना, मुक्ति होनी ही थी। तो शरीर से हम हजार कष्ट दें अपने शरीर को समझे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या नहीं है, तपस्या मन की है। मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, अरे कायिक वाचिक कर्म तो मन की ही संतान। मन सुधरा नहीं, हम शरीर के स्तर पर अपने आप को सुधार रहे हैं, वाणी के स्तर पर सुधार रहे हैं, अच्छी बात है, सुधार तो होना ही चाहिए। जड़ों में सुधार नहीं हुआ तो सही माने में सुधार नहीं हुआ। उस अवस्था तक पहुंच करके समता स्थापित करनी है, उस अवस्था पर पहुंच करके कायोत्सर्ग करना है, उस अवस्था पर पहुंच करके प्रतिक्रमण करना है, फिर देखो मन ही बदल गया, मन ही सुधर गया, कल्याण ही कल्याण, सही माने में कल्याण ही कल्याण, सही माने में मंगल ही मंगल, स्वस्ति ही स्वस्ति, मुक्त ही मुक्ति, धर्म के रास्ते जो चले, मुक्ति ही मुक्ति।